वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो आज मैं कॉलेज नहीं गई रनिंग करने के लिए, आज मैं आ रही हूँ पुलिंडा। तो रनिंग मैंने कर लिया है, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो आज मैं भैया लोगों के साथ आ रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब फिजिकल की, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। चाहे आप उत्तराखंड SI की कर रहे हैं, उत्तराखंड हवलदार की कर रहे हैं, या यूपी पुलिस की कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज सेम होती है। उससे हमारी जो रनिंग होती है वो अच्छी होती है। बाकी हम अपने फिटनेस के लिए भी कर सकते हैं ये सारी एक्सरसाइज। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं पुलिंडा, और मैं भैया लोगों के साथ आ रही हूँ। तो इन्होंने रनिंग कर लिया है, रनिंग मैंने भी कर लिया, और ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही, देख लो पसीना प्रूफ है। तो जिसको एक्सरसाइज करना नहीं आता है अभी, मतलब नए नए हैं, तो देख सकते हैं रनिंग करने के बाद की एक्सरसाइज कर रहे हैं ये लोग, और फिट रहने के लिए भी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पे ये मार रहे पुशअप्स, इनके पुशअप्स पे ध्यान मत दीजिएगा, बट प्रॉपर मार रहे, दिखाती हूँ। मुझे लगा नहीं मार पाएंगे। तो यहाँ पे भैया एक हाथ से मार रहे हैं पुशअप्स। फिट है भैया, मतलब। वही तो, तभी तो आई मैं इनके पास, मैं इनको फालतू में ही मोटा समझ रही थी पता, पर इनकी एक्सरसाइज से। तो देख सकते हैं पहाड़ों में जो चूहे होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। एक ये लग रखा है और एक ये लग रखा है पेड़ के नीचे, पर हम तोड़ नहीं रहे क्योंकि दो तीन ही हो रहे हैं ना। और कल तो यहाँ पे आ रखे थे गजराज महाराज, देख सकते हैं कितना बुरा हाल कर रखा है उन्होंने, रात को यहीं रुके होंगे ना पूरा तोड़ फोड़ करके। और ये उनका गोबर। तो कल मैं आधे रास्ते तक आई थी, फिर मैं चली गई थी, इसलिए मैं कल कॉलेज गई थी रनिंग करने के लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा घास काट लिया है और मैं घर की तरफ जा रही हूँ। अभी बारिश हो रही थी बहुत तेज की, तो फ़ोन मैंने अंदर रखा होता है, ये देख सकते हैं मैं भीग भी गई हूँ। और अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो आइए चलते हैं घर। आप कभी भी जंगल आते हो तो चूँ को पहचानिए, जो कि ये वाला हो रखा है ऊपर देख सकते हैं, ये गोल सा, तो ये जहरीला है, इसे खाना मत बिल्कुल भी, जहर वाला होता है ये। दिखाती हूँ मैं आपको और पास से, ये देखो। तो जंगल में जहरीले चूहे भी होते हैं और अच्छे वाले चूहे भी होते हैं, जैसे ये भी हो रहे हैं ना, तो ये भी जहरीले होते हैं। तो इन्हें आप असली चूहे समझ के खा मत लेना, नहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। और आज यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, तो यहाँ बारिश होने के बाद देख सकते हैं कोटद्वार का व्यू कितना प्यारा हो गया है। तो थोड़ा सा आगे से जाके दिखाती हूँ मैं आपको। और जंगल में आने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है, हरा भरा, और सब चीज़ें जो होती है ना साफ साफ दिखती है। ये देखिए यहाँ से पूरा कोटद्वार दिखता है। तो हम दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, यहाँ से भी पूरा कोटद्वार दिखता है, और यहाँ से आपको नदी भी दिखेगी, कोटद्वार की खो नदी। तो दिखाती हूँ मैं, थोड़ा पास जाके वहाँ गाड़ी खड़ी हो रही थी। ये देख सकते हैं बारिश के बाद पूरा क्लीन दिख रहा है, और नदी पानी देख सकते हैं। और आइए चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे घर में लाके मैंने घास रख दिया है, और ये है हमारा भूसा। ये भूसा मैं बहुत दूर से लेके आई थी, अगर मुझे टाइम मिला ना तो वो भी मैं ब्लॉग डालूंगी। तो ये भूसा है जो गायों के लिए ला के रखा हुआ है, और इसी कमरे में रहता है। पहले मैं यहाँ चिनअप करती थी,